नमस्कार, मैं हूँ शशांक। आप देख रहे हैं आरटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। देवराज विश्वकर्मा, ग्राम रगौली, तहसील हुजूर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। सरकार से ये मांगे, भूस्वामियों के नहीं, जो नहर का निर्माण किया गया था अवैधानिक तरीके से किया गया है। 2-3 नहरें हैं, आज तक कभी सिंचाई नहीं हुई है, वहाँ तक पानी पहुँचा ही नहीं। और जो बाणसागर के अधिकारी थे, इंजीनियर और SDM वगैरह, तो पैसे के लालच लोभ में आ गए। तो जो सर्वे किया है तो अवैध तरीके से किया, जहाँ सर्वे हो वहाँ नहर बनी ही नहीं, अवैधानिक नहरें बनी हुई हैं। और वहाँ के भूस्वामियों के साथ में नहीं, आज तक कभी सींच हुई ही नहीं है, तो वो सब निरस्त करने योग्य है। और वहाँ रीवा संभाग के नहीं कमिश्नर महोदय थे प्रदीप खरे साहब जी, तो उन्होंने 2012 में नहीं नहर को संपन्न करने को निर्देशित किया था, और उस समय वो निरस्त करने योग्य थी। जहाँ राम सिपाही का प्रश्न है, तो मोतीलाल गुप्ता और राम सिपाही विश्वकर्मा अलग अलग काश्तकार हैं, तो दोनों का संयुक्त रूप से नहीं बनाए जाने का कोई औचित्य ही नहीं था। बाणसागर या तो नालायकी थी या तो बेईमानी है, दो बात इसमें स्पष्ट हो रही है। मैं ये शासन प्रशासन से जानना चाहूँगा कि उस भूस्वामी जो गरीब निर्धन था, उसकी मौत हुई तो उसकी कौन जिम्मेदार हो रहा है, शासन हो रहा है या प्रशासन हो रहा है या बाणसागर हो रहा है। जहाँ रहा सवाल प्रश्न मुआवजे का नहीं, तो उनके मरने के उपरांत उनके बारिश में नहीं जितने थे तो सभी का नाम आया, हिस्सा बांट में नहीं, देवराज के नाम वो भूमि थी, तो देवराज ने कोई मुआवजा बैंक में हस्ताक्षर नहीं है उठाया है, उनके परिजनों के नाम किया। तो बाणसागर बड़ा दानी है, ऐसे है तो वो जाने, उनका काम जाने, हमारे नाम ना कोई मुआवजा बनाया है, ना हमने बैंक में कोई बैंक से मुआवजा लिया है, और जो लिया है वो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए, बाणसागर और बैंक वाले के नहीं, और जिन्होंने लिया है। और 2012 में ये निरस्त करने योग्य थी, तो बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और बार बार जब न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन रहता हो, तो ये शासन भी जानता है और प्रशासन भी जानता है कि वहाँ कोई कदम नहीं उठाया जाता, न कोई कार्य निर्माण किया जाता। जहाँ रहा सवाल सरपंच का नहीं, तो वर्तमान में 20 नंबर वार्ड आता है, तो सतना जिला का बॉर्डर लगता है, रीवा जिला का बॉर्डर है, तो आज तक 20 नंबर वार्ड में इतनी योजनाएँ आती हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री योजनाएँ नहीं, तो आज तक एक भी योजना लागू नहीं किया है सरपंच महोदय। अगर किया हो तो बताना चाहे शासन प्रशासन को, अगर कार्रवाई नहीं होती, यहाँ से न्याय नहीं मिलता, तो हम आमरण अनशन में भी बैठेंगे और न्यायालय के शरण में जाएंगे। हाई कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन था, उसी में जाएंगे, तो वर्तमान के सरपंच भी सस्पेंड होंगे, दंडित होंगे। अब पूर्व के नहीं सजा जुर्माना हुआ था तो बच गया था, तो इस बार बचेंगे नहीं, क्योंकि जितना भी हुआ तो पूरी रोडें बनी हुई है, तो फर्जी बनी हुई है, अब वैधानिक से नहीं कैसे रोड भी बनी हुई है, तो वहाँ कोई वरिष्ठ अधिकारी के अन्य जिले, आप जैसे मीडिया प्रभारी अधिकारी महोदय के द्वारा वहाँ निरीक्षण कराया जाए, परीक्षण करने के उपरांत जो 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 उसी व्यक्ति पाए जाए उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। वहाँ भूस्वामी जो किसान व्यक्ति हैं वो प्रताड़ित हैं इन बाणसागरों से, आज तक एक भी एकड़ की सींच नहीं हुई है, कभी पानी गया ही नहीं, ये सब निरस्त करने योग्य है। बाणसागर के अधिकारियों की तनख्वाह से ये कटवाया जाए और इन्हें दंडित किया जाए, इन्हें निलंबित किया जाए, इन्हें। हाँ, जगजीत प्रसाद पटेल थे, तो उन्होंने जो स्वीकृत किया था, उन्होंने बताया कि ना यहाँ कोई दुकान है, ना मकान है, ना कोई वृक्ष है, तो वहाँ चंद्रिका प्रसाद के लड़के का नहीं, अशोक कुमार उपाध्याय का नहीं मकान था, उसको और आउटर में रखा, और वहाँ राम सिपाही के पुत्र के नाम जब जमीन हुई तो वहाँ वृक्ष हुआ, तो शीशम का पेड़ था पहले, 2 पेड़ आम के थे, 19 पेड़ नीम के भी थे, 10 पेड़, तो उसका शीशम का पेड़ उड़ा दिया पटवारी द्वारा, तो वहाँ सब बिकाऊ है, चीनी चाय की तरह खरीद लिया जाता है। पटवारी RI, नायब तहसीलदार और तहसीलदार भी। पटवारी का नाम क्या है? पटवारी का नाम तो मैं जानता नहीं हूँ सर, पर उनके ऊपर जो की जावे का और भी किसी को मुआवजा मिला है? जिन्हें मिला हो मुझे नहीं मालूम सर, हमें तो कोई मुआवजा मिला नहीं, और जो कागज में बनाया तो वो सब निरस्त करने योग्य 2012 में। वो जमीन देवराज के नाम है, भूस्वामी देवराज है, तो देवराज के नाम नहीं, एकड़ जमीन है, 1 एकड़ 96 है सर। और वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे? हाँ जी, हाँ सर। तो ये कब से आप मांग कर रहे हैं मुआवजे की? जब से नहीं 2015 में नहीं न्यायालय का प्रकरण हुआ, 2014 में हमारे नाम भूमि हुई, तो 2014 में नहीं जो है ना, तो होने के बाद और न्यायालय ने रोड हटवाया, वहाँ अवैधानिक तरीके से बनाई गई थी 15 में, 2015 में नहीं हमने चिट्ठी लिखा, तो शासन प्रशासन सुनी को अनसुनी कर दिया। बाणसागर द्वारा पहले मोतीलाल राम सिपाही के नाम से बनाता था, जो वो मर गए उनके पिताजी उनके नाम बनाता था, पिताजी मर गए तो उनके बाद फिर भाइयों के नाम, जब जिसके नाम जो भूमि है उनके नाम ना बनाना चाहिए? तो
मैं ये शासन प्रशासन से जानना चाहता हूँ कि जिसके नाम जो जो और 2 एकड़ जमीन ही तो बसने के लिए कहाँ बताएगा या कहाँ बनाएगा। कहा शासन प्रशासन मैंने क्या ये इनके ध्यान में नहीं है कि 2 एकड़ जमीन है तो क्या वो नहरे में बनाएगा। मोतीलाल की 57 हेक्टर लिया, राम सिपाही की 240 हेक्टर लिया तो क्या वहीं डैम बनाएगा है। दोषी व्यक्तियों के खिलाफ परीक्षण करें और निराकरण करें और दंडित करें जो दोषी व्यक्ति हैं। मैं आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगली बार फिर। जय हिंद, जय भारत।